बारी है मध्य प्रदेश की। कमल या कमला, देश ये जानना चाहता है। देश के दर्शकों की दिलचस्पी मध्य प्रदेश के नतीजों में है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के नेता मध्य प्रदेश जीतने के लिए जोर लगा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बजाया। अमित शाह और जेपी नड्डा लगातार जोर लगा रहे हैं, तो उधर कांग्रेस के दिग्गज भी मध्य प्रदेश का रण जीतने के लिए रणनीति बना रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के मन में क्या है? सी वोटर ने मध्य प्रदेश का भी ओपिनियन पोल किया है। क्या कहता है आंकड़ा? चलते हैं डेटा सेंटर में रोमाना के पास और जानते हैं देश के दिल का पहला नंबर। मध्य प्रदेश कुल 230 विधानसभा सीटें और मध्य प्रदेश का फाइनल ओपिनियन पोल का आंकड़ा मैं आपको दिखाऊं, उससे पहले आपको बता दूं 6 रीजन्स में मध्य प्रदेश को हमने बांटा है। शुरुआत हम नॉर्थ मध्य प्रदेश कह सकते हैं, वो जो आप हिंदुस्तान के नक्शे पर जब मध्य प्रदेश को देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा जो ताज के तौर पर उठा हुआ नजर आता है वही है चंबल रीजन, जहां से शुरुआत करने जा रहे हैं। चंबल रीजन का ये जय विलास पैलेस आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कुल 34 सीटें इस चंबल रीजन में आती हैं और कांग्रेस के गढ़ से ज्यादा ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ के तौर पर अपनी पहचान 2018 में बनाई थी। इस बार क्या हो रहा है, बीजेपी 37% और कांग्रेस 47% वोट शेयर के साथ बीजेपी से बहुत आगे बढ़त बनाती हुई इस चंबल रीजन में नजर आ रही है। मतलब यही वो रीजन जहां पर कांग्रेस ने बगावत देखी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की। उसका असर क्या हो रहा है सीटों के लिहाज से आप देख रहे हैं यहां पर, कोई फर्क ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत का चंबल रीजन में कांग्रेस को नहीं पड़ रहा। कांग्रेस यहां पर बढ़त बनाती हुई सीटों के लिहाज से 26 से 30 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं, बीजेपी 4 से 8 सीटें, अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें। और महत्वपूर्ण आंकड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि 2018 में यही रीजन था जब कांग्रेस के खाते में यहां से 26 सीटें आई थी और इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बावजूद बीजेपी की तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को इस इलाके से चुनाव मैदान में उतारने के बावजूद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जो नरोत्तम मिश्रा हैं वो भी इसी इलाके से चुनाव मैदान में हैं, यहां बीजेपी कोई कमाल नहीं कर पा रही है। आगे बढ़ते हैं, अगले रीजन की बात करते हैं और ये जो अगला रीजन है मध्य प्रदेश का, आप इसको सबसे बड़ा रीजन सीटों के लिहाज से मध्य प्रदेश का कह सकते हैं, ये है बुंदेलखंड रीजन। इसमें बुंदेलखंड और विंध्य का इलाका आता है। अच्छा, इस इलाके की खास बात यह है कि ये जो पूरा इलाका है यहाँ ओबीसी वोटर का बहुत दबदबा है और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से वो तो जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया जा रहा है, क्या वो यहाँ पर वोटर के साथ क्लिक करेगा? जल्दी से आपको सबसे पहले वोट प्रतिशत दिखाते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पर वोट प्रतिशत के मामले में बघेलखंड में कांग्रेस बाजी मारती हुई 44% वोट शेयर के साथ बीजेपी से आगे, बीजेपी 39% वोट शेयर के साथ कांग्रेस से काफी पीछे पिछड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि बघेलखंड इलाका ये बीजेपी का गढ़ इस रूप में था कि 2018 में सरकार कांग्रेस ने बनाई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर सीटों में बीजेपी आ गई थी और इस बार मामला उल्टा है, कांग्रेस बघेलखंड में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में 32 से 36 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी के खाते में 19 से 23 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो बघेलखंड में कांग्रेस को फायदा हो रहा है, 2018 के मुकाबले कांग्रेस बघेलखंड इलाके में शानदार प्रदर्शन करती हुई और साथ ही साथ चंबल के इलाके में भी कांग्रेस शानदार प्रदर्शन कर रही है। तो पहले दो रीजन और दोनों रीजन में कांग्रेस को बढ़त। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।